वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलन क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिवाइसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम समझेंगे ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ हैं। तो डिवाइसेस को हम जनरली बात करते हैं तो ये युक्तियाँ कहलाती हैं, और जब हमारे पास कोई टाइटल आता है तो हम उसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस टाइटल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम जिन जिन युक्तियों जिन जिन डिवाइसेस द्वारा जोड़ते हैं उन्हीं डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिवाइसेस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज अ कंपोनेंट यूज फॉर फॉर्मिंग और शार्पनिंग ऑफ फेसेट इन एन एल्टिको सिंथेटिको क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, तो इसके पहले भी लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो हमारी क्लोनल क्लासिफिकेशन स्कीम है वो एल्टिको सिंथेटिको क्लासिफिकेशन स्कीम पे बेस्ड है, यानी कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई टाइटल आता है तो हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि वो हमारा जो टाइटल है वो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और इसके बाद हम सिंथेसिस करते हैं, फिर हम लास्ट में उसे एक क्लास नंबर देते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर दिस पर्पज, यानी कि हम एनालिसिस या सिंथेसिस में जो भी उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसे नंबर्स देते हैं उन्हीं को हम डिवाइसेस कहते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, या अल्फाबेटिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइसेस होती हैं, तो वो सारे के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि दीज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम वेर एवर हेल्पफुल एंड पॉसिबल एंड आर एप्लीकेबल इन ऑल थ्री प्लेस। जैसे कि आप सबको शायद थोड़ा पता हो कि जो हमारे रंगनाथन सर थे उन्होंने तीन प्लेन्स दिए हुए थे, और इसी के बेसिस पे हम सारा जो क्लासिफिकेशन करते हैं सीसी में वो सारी चीज़ें बेस्ड हैं। तो वो सबसे पहले होता है आर्डिया प्लेन, दूसरा होता है बर्बर प्लेन, और तीसरा होता है नोटेशनल प्लेन्स। तो इस ये जो प्लेन्स हैं उसको उसको भी प्रॉपर वे में ऑर्गनाइज करने के लिए भी हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो अगर बात हुई है प्लेन्स की तो हम इसे भी समझ लेते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। तो आर्डिया प्लेन की बात अगर हम करें तो हम एक आसान तरीके समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइडिया प्लेन एक तरह से हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई थॉट होता है। जैसे कि जब हम कोई मूवी बनाते हैं तो हम पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो वो स्क्रिप्ट एक आइडिया जो होता है वो हमारा आइडिया प्लेन कहलाता है। देन उसके बाद होता है वर्बल प्लेन, यानी कि हम उस आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डायलॉग्स होते हैं तो वो सारे हमारे वर्बल प्लेन्स कहलाते हैं। और फिर लास्ट में जैसे कि जो डायरेक्टर होता है या जो फिर एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो उस स्पीच को उस ऑडियो को किस तरह से ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी नोटेशनल प्लेन होती है। तो ये एक प्लेन्स के बारे में हमने बताया। तो ये डिवाइसेस हैं मींस ये प्लेन्स हो गए, या जो हमारा एल्टिको सिंथेटिको क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे सब्जेक्ट में तोड़ सकते हैं, और उस सब्जेक्ट में तोड़ने के बाद जो नोटेशन देते हैं वो कैसे देते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 6 टाइप्स की होती हैं जनरली, और सबसे पहले होता है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ज्योग्राफिकल डिवाइस, नेमोनिक डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस और सब्जेक्ट डिवाइस। तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस आपने सुना ही होगा कि क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में जो कि एक उनकी ओरिजिन हो सकती है, अगर कोई डिस्कवरी हुई है या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो कब एक्सपेरिमेंट हुआ है या इन्वेंशन हुआ है तो कब हुआ है, तो उस डेट को भी वहाँ पे मेंशन करते हैं जिससे कि हम उस इन्वेंशन को आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ इन्वेंशन ये मतलब ये वही पर्टिकुलर इन्वेंशन है जो कि उस डेट को किया गया था। तो इसीलिए हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो और भी आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो अगर हमने क्लासिफिकेशन स्कीम ही केवल वहाँ मेंशन कर दिया और उसकी उसे कब और उसे कब बनाया गया था, अगर साथ में ये मेंशन नहीं करेंगे तो हम मतलब सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि ये डेविनेशनल क्लासिफिकेशन है या कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो इसीलिए हम उसके डेट ऑफ ऑरिजिन को भी मेंशन करते हैं। और यही बात अगर हम करें लिटरेचर के केस में, जैसे कि हम यहाँ पे लिटरेचर के केस की बात कर रहे हैं, ये है गोदान बाय प्रेमचंद, ऑथर बॉर्न ऑन 1880s, हिज 13th वर्क
तो यहाँ पर गोदान की बात की गई है और ये प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। तो इससे हम अगर इनके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब टाइटल बनाते हैं तो उसमें हम लोग प्रेमचंद का नाम का जिक्र नहीं करते, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये गोदान जो है वो प्रेमचंद की है। तो इसके लिए हम उनके बॉर्न डेट को भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये इससे हमें आइडेंटिफाई, इससे आसानी होती है कि हाँ ये गोदान है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। और सपोज दैट गोदान किसी और ऑथर द्वारा लिखा गया हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित है या फिर दूसरे ऑथर द्वारा। तो इसीलिए हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसीलिए हम साथ में इसके ऑथर की जो बॉर्न डेट होती है वो भी मेंशन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल था क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का। और अगर हम बात करें जैसे कि मैंने इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है जो वो डिवाइस की गई थी 1876 में, है ना, और ये मेलविल डेवी द्वारा। तो इससे क्या होता है कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं। तो इसके साथ में हम इसके ओरिजिन की डेट भी मेंशन करते हैं, और इसी तरह हमने कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में भी इसके ओरिजिन की डेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसे टू है, आपको दिख रहा है टू आपका टू लाइब्रेरी साइज का नंबर है और 51 क्लासिफिकेशन का नंबर है। ये भी ये दोनों चीजें सेम है आपकी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, बिकॉज आपको उस समय केवल नंबर दिखाई देगा ना कि टाइटल। अभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, बट अगर ये नंबर केवल दिया हो 2:51, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये DDC है या CC। तो इसको इसको सेग्रीगेट करने के लिए हम यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने N3 लिखा है यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए, क्योंकि हमारी जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है 1933 में बनी थी। और इसी तरह हमने M76 लिखा है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए, क्योंकि ये 1876 में डिवाइस की गई थी, इसलिए हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ ये DDC है और ये CC है। तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के बारे में था। तो अल्फाबेटिकल डिवाइस कंसिस्ट इन यूजिंग फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट टू और द फर्स्ट थ्री लेटर, यानी कि हम इसे फर्स्ट जो लेटर होता है जैसे बासमती है तो यहाँ पे बी पहला लेटर ले लिया, या मैक्सिमम हम थर्ड लेटर्स का यूज करते हैं, उससे अलग लेटर्स का यूज नहीं कर सकते। और अब बात आती है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, अल्फाबेटिकल डिवाइस का हम यूज क्यों करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि अगर हम बात करें सपोज दैट कि सेम प्रोडक्ट है कोई हमारे पास और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, जैसे कि अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में भी सोना चावल होता है, मसूरी चावल होता है, बासमती होता है, काला नमक होता है, तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज के चावल होते हैं। तो अगर हमने राइस प्लांट केवल लिख दिया और उसको ये मतलब बी कैपिटल में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बासमती है या काला नमक है या सोना चावल है। तो इसके लिए हम यहाँ पर उसे जो उसका पहला लेटर होता है, जो उसका मेन मतलब नाम होता है उस प्रोडक्ट का, अगर उसकी तरह और भी सेम मतलब होते हैं तो हम मैक्सिमम 3 लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोलकाता का रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले तो बहुत जगह के हैं ना, तो हम कोलकाता का रसगुल्ले को अगर हमें मेंशन करना है तो हम रसगुल्ला का नंबर देंगे फिर के दे देंगे। तो इसी प्रकार से हम अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेक्सपियर हैमलेट दिया हुआ है, तो सेक्स जो हैमलेट है वो क्या है, एक शेक्सपियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है। तो हम अगर केवल शेक्सपियर यहाँ पे हैमलेट का नंबर दे दें, यानी कि ड्रामा का नंबर दे दें, और इसमें हम अगर सॉरी अगर हम ये यहाँ पर केवल हम इसके ड्रामा का नंबर दे दें और यहाँ पर ये कौन सा ड्रामा है ये नहीं बताएंगे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि जो हमारे शेक्सपियर सर थे उन्होंने तो बहुत सारे ड्रामा दिए। तो हम इसे अगर लाइब्रेरी में हमें सर्च करना है शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में और वो हैमलेट है, तो अगर हमने एच यहाँ मेंशन नहीं किया तो हम हैमलेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जिससे जो हमारे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हमें सारे ड्रामास को चेक करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा जो सेव द टाइम ऑफ यूजर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इनको यूज करते हैं, इन डिवाइसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एच के द्वारा प्रदर्शित कर दिया कि ये जो हैमलेट है वो मतलब वो
वो जो ड्रामे की बात की गई वो हैमलेट ड्रामा की बात की गई है, और ये बाकी जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये आपके शेक्सपियर ड्रामा का है, वो लिटरेचर का है, वर्मन आपका इंग्लिश का है, और ये आपका टू ड्रामे का है, और जे जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 1564। तो इन्होंने दोनों डिवाइसेस का यूज़ कर लिया है जिससे कि और भी आसानी से उस ड्रामा तक हम पहुंच सकें, जिससे कि हमारा जो फाइव फ्लॉज है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई दशहरी मैंगो प्लांट, तो यहाँ पर भी हमने दशहरी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे डी को यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसी तरह से हम अलग अलग जो भी मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं, वो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, इसी के लिए हम डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर क्रेटा कार की बात की गई, या फिर मारुति कार की बात की गई, या फिर होंडा कार की बात की गई, तो हम अगर कार का केवल नंबर दे देंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सी कार है। इसके लिए हमें यहाँ पे CRE यानी क्रेटा हो गया या फिर होंडा हो गया, तो HON इस तरह से नंबर दे देंगे जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर इस कार की बात की जा रही है। और D यहाँ पर आपको ये इंजीनियरिंग का नंबर दिया हुआ है, इसी प्रकार से J एग्रीकल्चर, बाकी सब चीज़ें सेम है। जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस उसका हम अगर अल्फाबेटिक की बात कर रहे हैं तो हम उसके जो फर्स्ट 3 लेटर्स या फर्स्ट 1 या फर्स्ट 2 लेटर्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं दूसरे सेम प्रोडक्ट से। तो ये अल्फाबेटिकल डिवाइस की मैंने बात की। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट डिवाइस की। तो सब्जेक्ट डिवाइस क्या होता है? द सब्जेक्ट डिवाइस इज कंसिस्ट इन यूजिंग द एप्रोप्रिएट क्लास फॉर द ऑफ एन ऑसिलेट ऑफ टू मेन क्लासेस आर गिवन एंड इट इज डिनोटेड बाई सर्कुलर ब्रैकेट। तो बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट डिवाइस में दो मेन क्लासेस होती हैं, एक साथ आती हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो जो सब्जेक्ट डिवाइस होती है उसमें एक साथ दो मेन क्लासेस यानी कि दो सब्जेक्ट एक साथ यूज़ किए जाते हैं, और वो दोनों अलग अलग क्लासेस के होते हैं, मतलब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो उस केस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और उसको बोलते हैं सब्जेक्ट डिवाइस। और इसमें जनरली क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सब्जेक्ट डिवाइस कब यूज़ की जाती है और उसका सिंबल क्या होता है। तो सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग जब हम लोग करते हैं जब हमारे पास दो मेन क्लास एक साथ आती हैं और उस और साथ में ही इसका सर्कुलर ब्रैकेट इसका सिंबल होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार नेट में पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे कि हिंदू लॉ है, तो यहाँ पे आपके हिंदू अलग, हमारे जो हिंदू जो क्लास है वो रिलीजन की क्लास है, ठीक है, और लॉ हमारी अलग क्लास है जिसका जेड नंबर है, सॉरी लॉ का मतलब जेड है, यस। तो ये इस यहाँ पर ये अलग हमारी क्लास है और ये हमारी अलग क्लास है, ठीक है। तो दोनों मेन क्लास को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बना। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर लाइब्रेरी की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा अलग मेन क्लास है, लाइब्रेरी हमारी अलग मेन क्लास है, ठीक है। इसी प्रकार से हम रिलीजियस लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे रिलीजियस जो है वो अलग मेन क्लास है और लाइब्रेरी अलग मेन क्लास है, ठीक है। तो मेडिकल लाइब्रेरी में सेम है। तो यानी कि यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा भी हमने समझने का प्रयास किया कि दो मेन क्लासेस को हम लोग साथ में जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइस को प्रयोग करते हैं, और जो मेन क्लास होती है वो बाहर होती है, और जो सेकेंडरी क्लास होती है उसे हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने हिंदू लॉ यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारी लॉ की बात की जा रही है यहाँ पे, लॉ ऑफ हिंदू, तो यहाँ पे जेड को यहाँ पे लगाया और जो हमारा रिलीजन है उसको हमने इन ब्रैकेट क्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इसी प्रकार से लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी की बात की जा रही है? एग्रीकल्चर लाइब्रेरी की बात की जा रही है, यानी कि लाइब्रेरी भी फोर्स किया जा रहा है ना। तो इसी प्रकार से हम टू लिया और फोर अदर लाइब्रेरीज की नंबर यहाँ पे लगाया और जे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी का नंबर लगाया। इसी प्रकार से रिलीजियस लाइब्रेरी की बात की जा रही है, यानी कि लाइब्रेरी कौन सी, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ के ही सेपरेट कर सकते हैं कि लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी है ना। तो लाइब्रेरी टू फोर इन ब्रैकेट इन सर्कुलर ब्रैकेट क्यू। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें कि किससे कौन रिलेट कर रहा है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हाँ किस पे फोर्स या किस पे जोर दिया जा रहा है और कौन सा हमारा सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको डिवाइसेस सब्जेक्ट डिवाइस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के बारे में। तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बेसिकली एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होती है या एक दूसरे के ऊपर आरोपित होती है, एक दूसरे से कोरिलेट करती है एक तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन एन आइसोलेट इज नॉट शेड्यूल्ड इन फेशियत
but can be regarded as the mutual denotation of two of the scheduled isolate, and it is called superimposition device. और इसका जो सिंबल है वो हाइफन है, और इसको हम डैश कहते हैं, लेकिन डैश यहाँ नहीं कहा जाता है, इसे हम लोग हाइफन के नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं. और अगर हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दो पर्सनैलिटीज है ना, दो पर्सनैलिटीज सब एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग होता है. और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हाइफन का होता है. ठीक है, तो जैसे कि आप बात करें बोन्स ऑफ हेड, और यहाँ पे एक चीज और होती है ध्यान देने वाली कि ये जो यहाँ पे बात की जा रही है व्हेन एन आइसोलेटेड नॉट शेड्यूल्ड इन फेसेट, यहाँ पर ये जो फेसेट हैं वो एक ही क्लास के होते हैं, यानी कि बोन्स ऑफ हेड की बात की जा रही है कि तो दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पे दोनों ही पर्सनैलिटीज है, हेड भी एक पर्सनैलिटी है और बोन्स भी एक पर्सनैलिटी है, और दोनों की जो मेन क्लास है वो भी सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे बोन्स ऑफ हेड, और इसका सिंबल हम लोगों ने यहाँ पे डैश का प्रयोग सॉरी हाइफन का यूज किया है, और दोनों पर्सनैलिटीज को एक साथ जोड़ा है इसमें. ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिस्ट ऑफ आईज ऑफ द मैन, तो यहाँ पर भी हमने इस तरह हमारी ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर ही दो फेसेट हैं, यानी कि दो पर्सनैलिटीज हैं. ठीक है, तो दोनों पर्सनैलिटीज को हमने इनके साथ में ऐड किया है, और उसका जो सिंबल है वो हाइफन यूज किया है. ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें हेयर ऑफ हेयर्स ऑफ फीमेल, तो यहाँ पे जो स्पेशल सिस्टम की बात हो रही है, और साथ में यहाँ पे आपका हेयर का नंबर 18 दिया हुआ है और जो हेड्स का नंबर 881 दिया हुआ है. तो इसी प्रकार से हम जनरली डिवाइसेस को सेपरेट मतलब डिवाइसेस को यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे अर्बन यूथ दिख रहा है आपको, तो ये जो वाई है सोशियोलॉजी का नंबर है, और यहाँ पे 12 और 33 का यूज किया गया है अर्बन का, और यूथ का 33 नंबर है. तो इसी तरह से हम सुपर इम्पोजिशन डिवाइसेस में दो पर्सनैलिटीज को एक साथ यूज करते हैं और उनके लिए हाइफन का यूज करते हैं. तो आई होप ये जो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको आसानी से समझ पाए हो गया. तो इसका जो हम उच्चारण करते हैं तो ये एम साइलेंट होता है, नेमोनिक्स पढ़ते हैं इसे. और रंगनाथन सर ने एक जो ये स्कीम बनाई बहुत ज़्यादा मतलब कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ध्यान अध्ययन के बाद बनाई, और चूंकि हमें पता है कि वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो मैथ का पूरा ज्ञान वो अपने डिवाइसेस में, या कहें तो जो कुलर क्लासिफिकेशन जो उनने एक बाइबल भी हम कहते हैं लाइब्रेरी साइंस की, उसमें अपना पूरा जो मैथ का ज्ञान है वो उसने उड़ेल दिया हम कह सकते हैं. तो और इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, तो उसी के लिए उन्होंने एक नेमोनिक डिवाइस का यहाँ पे प्रयोग किया है, और जिससे इसका मतलब ही यही होता है कि हम ऐड टू मेमोरी या फिर हम आसानी से उसे लर्न कर सकें. तो उन्होंने डिफरेंट टाइप का एक मतलब तरीके बताए हैं जिससे कि हम उन्हें आसानी से याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें. तो उन्हीं तरीकों के बारे में यहाँ बात की गई है, जैसे कि नेमोनिक डिवाइस में डिजिट वन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिजिट की बात की गई है कि डिजिट वन, डिजिट टू, डिजिट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट तक. तो इन डिफरेंट डिजिट के द्वारा हम लोग एक अगर हमें डिजिट याद हो गया तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो एक डिजिट है वो गॉड के लिए भी यूज सकता है, वर्ल्ड के लिए भी यूज हो सकता है, यूनिटी के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर एक वन डायमेंशन या फिर वन लाइन या फिर सॉलिड स्टेट, जो डिफरेंट टाइप के स्थितियाँ होती हैं उनके साथ हम वन का प्रयोग करेंगे. यानी कि हमने डिजिट को याद कर लिया, वन डिजिट को, तो हम गॉड, वर्ल्ड, यूनिटी इन सबको याद कर लेंगे, यानी कि एक से हमें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. तो इसीलिए ये इजी टू लर्न इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें डिजिट टू की, तो उसमें टू डायमेंशन होंगे क्योंकि टू की बात हो रही है, टू डायमेंशन, तो कोरिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं कि टू डिजिट हो रहा है और यहाँ पर टू डायमेंशन की बात हो रही है. ठीक है, और कोनिक्स हो गए या फिर डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं टू डायमेंशन, तो उनकी बात की जा रही है और टू डिजिट की बात हो रही है, तो इसे हम कोरिलेट करके आसानी से मेमोरी में मतलब फिट कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं. तो इसलिए हम मेमोरी डिवाइस कहते हैं इसे. और इसी प्रकार से इसमें उन्होंने अलग अलग डिजिट द्वारा अलग अलग हम चीज़ों को कैसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है. जैसे कि अगर हम बात करें थ्री में तो थ्री डायमेंशन हो गया, फोर में है तो हीट है, पैथोलॉजी है, डिजीजेज है, ट्रांसपोर्ट है या सेंथेसिस है, तो अलग अलग
डिजिट से उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एरिया को कवर किया है, जिससे कि अगर हम एक चीज़ को याद कर लेते हैं तो हमें पूरा पोर्शन याद रहता है। तो यही इसे हम इसे मेमोरी डिवाइस कहते हैं, जिससे कि हम उसे आसानी से याद कर सकें और मेमोरी में से फीड कर सकें। तो कंक्लूड करती हूँ मैं, आज हमने बात की डिवाइसेस के बारे में और हमने बात की आज 6 डिवाइसेस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कब यूज़ करते हैं हम, ज्योग्राफिकल डिवाइस कब यूज़ करते हैं, नमोनिक डिवाइस क्या होती है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस क्या होती है, सब्जेक्ट डिवाइस क्या होती है और इसके शॉर्ट फॉर्म भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जीडी ज्योग्राफिकल डिवाइस की तो जीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस होते तो आपका सीडी होता है, अल्फाबेटिकल डिवाइस होता है तो एडी होता है, सब्जेक्ट डिवाइस है तो एसडी होता है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है तो एसआईडी होता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको शॉर्ट मतलब फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सिंबल ज़रूर याद कर लीजिएगा कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते, एक दो क्वेश्चन अक्सर बनते ही हैं चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।